हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में, टिकटॉक के बारे में, कितना चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, क्या इसको करियर बनाया जा सकता है। सिर्फ मैं टिकटॉक की बात नहीं करूंगा, जो दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी भी बात होगी। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मैं टिकटॉक पर बात कर रहा है, ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों लिखा। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था इंस्टाग्राम पे, आप भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं रिप्लाई नहीं करता सभी क्वेश्चंस का, बट मैं पढ़ लेता हूँ और जो जेन्युइन क्वेश्चन मुझे लगते हैं मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूँ, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो अभी फर्स्ट ईयर में है और उनका पढ़ाई में खासा ध्यान नहीं है और वो जो है टिकटॉक और यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि आज की डेट में लोग काफ़ी फेमस हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। और ये भी कह रहा था वो बंदा जिसने मुझसे क्वेश्चन किया कि नौकरी में तो मतलब 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी लगनी है पढ़ाई करके, तो क्यों ना मतलब टिकटॉक और यूट्यूब पे आया जाए और यहाँ पे काम किया जाए। तो यार, अगर आप टिकटॉक पे यूट्यूब पे आना चाहते हो, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई गलत बात है, बट आप जो है ना अभी फास्ट सक्सेस, शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे सोशल मीडिया में आते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया को या फिर यूट्यूब टिकटॉक देखते हैं, तो वो लोग जो है उन लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिनका नाम हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं YouTube से, TikTok से, जिनको TV पे आने का मौका मिल गया। इसके अलावा ब्रांड डील्स आती है, ब्रांड डील से पैसा कमाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। पैसे अच्छे कमा रहे हैं सब, मैं नहीं कह रहा कि कोई बुरे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे लोग पैसे कमाते हैं। बट क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सक्सेस का क्या फॉर्मूला है? अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं कंटेंट बना के डालूंगा और मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाऊंगा, 3 महीने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, 2 महीने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा कि आप इस पे डायरेक्टली मत कूदे, उन लोगों को देख के जिनको सक्सेस मिल चुकी है। वो लोग बहुत कम है दोस्तों जिनको सक्सेस मिली है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, 98% ऐसे लोग हैं जिनको सक्सेस नहीं मिलती। सिर्फ 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं, कंटेंट बनाते हैं और उनको सफलता मिलती है। तो अगर आपके पास कोई डिग्री भी नहीं हुई, डिग्री से मेरा ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ वो पेपर का टुकड़ा लेके आ जाओ, 4-3 साल बाद आप लोगों को मिल जाएगी, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा डिग्री को लेने का मतलब है कि आप लोगों ने उस केस में स्किल्स को सीखा है, आप लोगों को चीज़ें आती है। अगर आप चीज़ों को सीखोगे, डिग्री है आपके पास, तो एटलीस्ट आपके पास 10-15-20 हज़ार रुपये की जॉब तो होगी, इतनी तो आपके पास सिक्योरिटी है। अगर आप सिर्फ YouTube या TikTok पे या सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने आते हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जैसा कि मैंने बताया, बहुत कम चांस होते हैं और कोई टाइमलाइन नहीं है कि अब कब आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है सफलता आपको 1 महीने में मिल जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 3-4 साल लग जाए आपको सफलता मिल जाए, सारी चीज़ें पॉसिबल है। मैं ऐसे चैनल्स को जानता हूँ जो 3-3-4-4 साल उन्होंने काम किया, लग के काम किया, पर सफलता नहीं मिली, तो फिर उन्हें वो चैनल बंद करना पड़ गया। मैं ही नहीं कह रहा टिकटॉक चलाना बुरा है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं टिकटॉक के अगेंस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। टिकटॉक जब से पहले बैन हुआ था उसके बाद इन्होंने बहुत सारे अपडेट लेके आए। आज की डेट में बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशनल कॉन्टेंट भी मिलता है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कॉन्टेंट भी मिलता है। इनफैक्ट हमारा चैनल आप लोग जो है टिकटॉक पे बना हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह बताता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर अपना करियर बनाने के बारे में मत सोचो या उसको देखो मत, यूज मत करो, सबका एक तरीका होता है। अगर आप टिकटॉक सारा दिन 3-3-4-4 घंटा चलाओगे तो वो नुकसान है, वैसे ही यूट्यूब भी आप लोगों के लिए नुकसान है अगर आप पूरा पूरा दिन बैठ के यूट्यूब देखते जाओगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को ज्यादा करना तो नुकसान होता ही होता है, बट जहां तक बात रही करियर बनाने की, कि भाई वो बंदा अपने पढ़ाई छोड़ के इसमें आ रहा है, तो मत आओ यार, पहले अपनी डिग्री एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, नॉलेज ले लो, ताकि आपके पास एक ऑल्टरनेट चीज जो है चल रही है, आप साइड बाई साइड इसको शुरू कर सकते हैं। मैंने भी जो है इसको पार्ट टाइम शुरू किया था। आप जितने भी लोग देख लो यूट्यूब पे जो कुछ बन गए हैं, सबने जो है एज अ पार्ट टाइम शुरू किया, जब उनको रेवेन्यू मिलना वहां से शुरू हो गया, तो उन लोगों ने जो है उस चीज को एज अ करियर देखा या फिर एज अ एक बार करियर ऑप्शन उन्होंने जो है इसको ट्राई किया। बट मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी ऐसा लोग नहीं होगा जो ये कहता है कि यूट्यूब जो है या फिर टिकटॉक एक फुल टाइम करियर हो सकता है। वो इसके थ्रू अपने जो है दूसरे करियर को डेवलप करते हैं,
राइट, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहा है, कोई जो अपने कोर्सेज सेल कर रहा है, कोई जो अपने बिजनेस प्रमोट कर रहा है। ज्यादातर जो लोग आप लोग देखोगे ना, वो जो है सिर्फ और सिर्फ चैनल पे कंटेंट नहीं बनाते, बाकी उनका बिजनेस रन हो रहा है, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखो दोस्तों, पहले अपनी स्टडीज पूरी करो, उसके बाद आप इन सारी चीजों को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको ये चीज पसंद है तो आप इसको एज अ पार्ट टाइम शुरू करो, उसके बाद आप देख लो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उस हिसाब से आप जो है इसको फुल टाइम भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस जितनी शॉर्ट टर्म में मिलेगी उतनी वो जल्दी जाने के उसके चांसेस होंगे। जितना वक्त लगेगा आपको सक्सेस मिलने में, उतने चांसेस ज्यादा रहेंगे कि वो सक्सेस आपके पास स्टिकी रहेगी, क्योंकि आपने अपने आप को उस सक्सेस के लिए प्रिपेयर किया है। अभी रातों रात फेमस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत जल्दी लोग उनको भुला भी देते हैं, राइट। तो इन सारी चीजों का दोस्तों ध्यान रखना है अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ करियर। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो में जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में तो लिख के पूछ सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टा और फेसबुक पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जाके फॉलो करो लिंक को। टिकटॉक वाला चैनल भी विजिट कर लेना, जल्दी नया ही चैनल आपके भाई ने बनाया है। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो जल्दी मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।